ज्यादातर हमने देखा है कि हमारे पेंटर भाई जो है दीवार पर की गई बिरला पुट्टी की घिसाई अपने हाथों से रेगमाल के साथ करते हैं, जिसकी वजह से न केवल उनके कपड़े और उनकी बॉडी भी पूरी गंदी हो जाती है, साथ में डस्ट इनहेल करने की वजह से जो है उनको बहुत सी सांस की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो है आउटपुट बहुत कम निकलता है और कई बार तो काम समय पर पूरा ना होने की वजह से घाटे का भी सामना करना पड़ता है। तो अपने पेंटर भाइयों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पावर का ड्राई वॉल सेंडर लेकर के आई हूँ, जिसमें इतने शानदार फीचर्स हैं जो ना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि आपको डस्ट से भी बचाएगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को जो है कंपनी ने बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में बनाया है ताकि मेरे सारे भाई जो है इस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, इस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या अटैचमेंट्स मिलने वाली है मैं पूरी जानकारी दूंगी, किस तरह से जो है इसको आप वॉल पुट्टी की सैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी। तो इस वीडियो को मेरे पेंटर भाई जो है अंत तक जरूर देखिएगा यदि आप इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हर पेंटर भाई के पास जो है इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पावर का ड्राई वॉल सेंडर है, XPTI 552 इसका मॉडल है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मशीन को जो है आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है दीवार पे की गई वॉल पुट्टी की जो है सैंडिंग कर सकते हैं, इसके साथ पुराना जो दीवार पे पेंट है उसकी सैंडिंग कर सकते हैं और वुड के ऊपर भी जो है आप इसके साथ सैंडिंग कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग द पेंट। तो दोस्तों, प्रोडक्ट के ऊपर जो है देखिए आपको जो है इसके ऊपर ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दी हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इसको ऑपरेट करने के लिए जो नॉर्मल घरों की सप्लाई होती है 230, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो है ये मशीन चलती है। बहुत ही पावरफुल मोटर है इसकी 900 वॉट की और इसका जो वेरिएबल स्पीड है 1400 से लेके 2700 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है इसका नो लोड स्पीड है। और दोस्तों, जो इसका एब्रेसिव पैड है उसका जो साइज है 175 mm है और जो एब्रेसिव पेपर शीट आप इसके ऊपर लगाओगे वो 180 mm तक की शीट जो है आप इसके ऊपर चिपका करके सैंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खोल करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर जो है आपको ये सारी अटैचमेंट्स मिलेंगी। तो एक बारी जो है मैं सारी ये अटैचमेंट्स आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये जो है हमारा हॉज पाइप है जो डस्ट बैग के साथ लगना है। ये हमारे को जो है एक डस्ट बैग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का जो है ये डस्ट बैग है। आपको जो है 6 शीट्स जो है 180 mm की 6 बल्क्रो शीट्स मिलती है, देख सकते हैं ये 6 शीट्स है। एक आपको जो है ये ऑक्सिलरी हैंडल मिलता है और दोस्तों इसमें जो है ये आपको यूजर मैनुअल दिया हुआ है और एक डायरी दे रखा है, पेन दे रखा है, एक आपको एलन की दे रखा है। तो ये आपको जो है एक्सेसरीज मिलने वाली है। तो एक एक करके सारी एक्सेसरीज मैं लगा करके आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से जो है लगनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम मशीन को आपको दिखाते हैं। तो आप ये देखिए मशीन का जो है आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा जो है इसका बिल्ड क्वालिटी है। एक एक करके जो है आपको इसके सारे फीचर्स आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक कॉर्ड से शुरू करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कॉर्ड भी काफी लंबी दे रखी है, आपको 3 मीटर लेंथ में जो है इलेक्ट्रिक केबल विद 2 पिन शू मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये इसका जो है ये हैंडल है और हैंडल पे जो है ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, आप देखिए। और इसकी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें लॉकिंग फंक्शन भी है। तो यहाँ से ऑन करके जो आप इसको लॉक कर सकते हैं और जब आपको इसको ऑफ करना है तो आप इस तरह से इसको रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो है आपको 5 वेरिएबल स्पीड्स मिलती हैं, आप देखिए 5 नंबर है 4, 3, 2, 1। तो आप जो है अपनी जॉब के हिसाब से जो है इसकी स्पीड की सेटिंग कर सकते हैं। तो 5 आपको जो है स्पीड सेटिंग इसमें मिलता है। बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा डस्ट बैग कनेक्ट होता है हॉज पाइप की मदद से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ जो है ये डस्ट बैग दिया हुआ है, आप देखिए कितने बढ़िया क्वालिटी का जो है ये डस्ट बैग है। और इसमें जब डस्ट कलेक्ट हो जाता है तो आप देखिए ये स्लाइडिंग मूवमेंट है, इसमें ये दे रखा है, अटैचमेंट लगाया हुआ है। तो आपको जब खाली करना है तो आप इसको ऐसे साइड पे करके जो है इसको एम्प्टी कर सकते हैं और उसके बाद जो है इसको दोबारा से जो है इस तरह से बंद कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कैरी कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप जो है जब यूज करेंगे तो उसको इस तरह से अपने शोल्डर पे कैरी करेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ जो है इसमें जो है हॉर्स पाइप कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए, और इसमें किस तरह से हॉर्स पाइप कनेक्ट करनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको हॉर्स पाइप मिली है दोस्तों, 2 मीटर की लेंथ में हॉर्स पाइप मिलती है। इसका जो ये वाला एंड है, आप देखिए ये वाला एंड जो है ये हमारा जो है डस्ट बैग के साथ कनेक्ट होगा। आपको कैसे करना है आप देखिए, इसको जो है आपको पूरे अच्छे से अंदर डाल देना है और उसके बाद ये जो आपको अटैचमेंट दी है इसको जो है आप एक तरफ से डालिए और दूसरी तरफ से जो है इसको इस तरह से प्रेस करके अंदर डालिए और इस स्लॉट में इसको बिठाना है। तो ये देखिए इस तरह से जो है ये बैठ गया है और पाइप मेरा पूरा अच्छे से फिट हो गया। तो इस तरह से फिट करके आपको इस तरह से कैरी करना है इसको। और दोस्तों जो इसका दूसरा अटैचमेंट है वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ लगना है। आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो है एक ये आपको जो है लॉकिंग के लिए बना हुआ है, उभरा हुआ पार्ट है, ये यहाँ पे बैठता है हमारा। आप इसमें देखिए ये एक स्लॉट बना हुआ है, इसमें हमें बिठाना है इसको। अभी जो है ये हमारा बैठ गया है और ये देखिए अभी जो है ये पूरा हिलेगा नहीं आपका। इस तरह से हमें डस्ट बैग जो है कनेक्ट करना है और बहुत ही सिंपल है कनेक्ट करना इसको। आप देखिए इसमें जो है आपको वैक्यूम कंट्रोल भी दे रखा है, तो ये जो बटन है इससे आप वैक्यूम कितना सक्शन बढ़ाना है यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। और दोस्तों इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर है एलईडी लाइट, ये देखिए। तो इसको मैं जला करके दिखाती हूँ आपको। वॉल पुट्टी की जो है फिनिशिंग देखने के लिए आप जो है ये देखिए ये लाइट दे रखा है। तो जब हम इसको यूज करते हैं आप देखिए दीवार पे कितना लाइट पड़ता है। मैं अंधेरा करके आपको थोड़ा दिखाती हूँ। तो आप देखिए इससे आपको दीवार के ऊपर की जो है सारी लाइंस बहुत अच्छे से नजर आएंगी काम करते हुए। बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये इसके अंदर दिया हुआ। तो दोस्तों ये एलईडी का फंक्शन है। और उसके बाद जो है आप देखिए इसके जो कार्बन कैप है, आप देखिए आउटर बॉडी पे ही कार्बन कैप लगे हैं, तो उसके कार्बन चेंज करना बहुत ही आसान है। जब भी आपके कार्बन खत्म हो जाए तो इन कैप्स को आप खोलिए और अपना जो है कार्बन सेट जो है चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑक्सिलरी हैंडल दिया हुआ है आपको, तो मशीन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह प्रोविजन दे रखा है। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। आप देखिए यहाँ पे भी प्रोविजन दिया हुआ है और यहाँ पे भी दे रखा है, तो आपको जहाँ पे भी इसकी जरूरत है अपने काम के हिसाब से जो है आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों इस हैंडल को लगाने के बाद जो है आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया और इस तरह से जो है आपको काम करने में बहुत ही इजी फील होता है। बहुत कंफर्टेबली जो है आप इसको चला सकते हैं। दोस्तों ये इसका बेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 शीट्स मिली है। किस तरह से लगाना बहुत ही सिंपल है। दोस्तों इस तरह से जो है होल मैच करके जो है आपको ये शीट लगाना है। ये होल्स इसलिए दिए हैं ताकि सैंडिंग करते टाइम जो भी डस्ट आपकी प्रोड्यूस होगी वो इस होल के थ्रू सक होके आपके जो है डस्ट बैग के अंदर चली जाएगी। इस तरह से हम इसकी जो है सैंडिंग करते हैं। और जब हम कॉर्नर्स पे पहुंच जाते हैं तो कॉर्नर्स पे जो है हमारा ये पेपर पूरा टच नहीं होगा, तो कॉर्नर्स की सैंडिंग करने के लिए इसमें बहुत ही अच्छा प्रोविजन दे रखा है। ये देखिए इसके बॉटम में जो है ये अटैचमेंट है जो कि खुल जाती है, तो जहां पे भी आपको कॉर्नर पे इसकी जो है ग्राइंडिंग करनी है तो आप जो है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो है ये कॉर्नर पे टच हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए जैसे आप इस कॉर्नर पे हमें पूरा सैंडिंग करना है, तो ये देखिए मेरा जो है पूरा का पूरा सैंड पेपर कॉर्नर से टच हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसकी सैंडिंग करेंगे मूव करके तो ये पूरा का पूरा कॉर्नर जो है अच्छे से सैंडिंग हो जाएगा इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन दे रखा है। आप जो है पूरे कॉर्नर्स की जो है सैंडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस मशीन की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको जो है नॉर्मल वॉल के ऊपर जो है ग्राइंडिंग करना है तब आप ये अटैचमेंट लगा करके रखें। ये देखिए बहुत सिंपल है, इस तरह से जो है आप इसकी अटैचमेंट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको किस तरह से असेंबल करके किस तरह से जो है पकड़ के इसको यूज करना है वो मैं आपको एक बार फाइनली दिखा देती हूँ। ये डस्ट बैग है, डस्ट बैग को जो है आप शोल्डर पे ऐसे कैरी कर लीजिए, इस तरह से कैरी कीजिए। और उसके बाद जो है आप इसकी एलईडी लाइट ऑन कीजिए, इस तरह से आप इसकी एलईडी लाइट ऑन करके जो है दीवार पे इस तरह से अपने आप इसको ग्राइंडिंग के लिए यूज करेंगे इस पोजीशन में, आप देख सकते हैं। और जो भी डस्ट होगा वो सारा का सारा सक करके इस बैग में इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये बैग आपका फुल हो जाए तो आप इस बैग को जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से खोल करके एम्प्टी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बारी मैं आपको जो है इस मशीन को चला करके इसकी वेरिएबल स्पीड जो है वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो है हम इसको ऑन करेंगे। दोस्तों इस तरह से जो है आप इसकी 5 स्पीड्स में जो है इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंडिंग के टाइम 5 स्पीड्स वेरिएबल है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है मेरे पेंटर भाइयों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आने वाला है। और यदि ये प्रोडक्ट जो है मेरे पेंटर भाई खरीदना चाहते हैं, इसका लेटेस्ट प्राइस जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। मेरे भाई मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको इस प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है ऑल ओवर इंडिया दे सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप अपनी इंक्वायरी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।